पश्चिम बंगाल में अरसे तक सीपीएम की सरकार रही और अब तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। क्या दोनों के कार्यकाल में कोलकाता की जनता को फर्क लगता है या दोनों में से कौन कोलकाता की जनता को ज्यादा बेहतर लगा? आइए जानते हैं कोलकाता की जनता की राय। पश्चिम बंगाल चुनावी रंग में रंगने लगा है। मेरे ठीक पीछे कोलकाता की पहचान हावड़ा ब्रिज। हालांकि पहले चरण में कोलकाता में चुनाव नहीं है, लेकिन हमने सोचा क्यों ना कोलकाता से ही शुरुआत की जाए। राजधानी है, पता किया जाए आखिर किस रंग में रंग रहे हैं पश्चिम बंगाल के लोग। और यहाँ आते ही एक कहानी सुनाई दी। जब हम कोलकाता पहुंचे, बताया गया कि 34 साल का लेफ्ट का शासन था और अब 5 साल में तृणमूल कांग्रेस बदलना चाहती है, रंग को बदलना चाहती है। कहते हैं कि ममता बनर्जी चाहती हैं विकास आसमान छुए, इसलिए हर चीज का रंग भी बदल गया है। रंग की बात करें तो अब हर जगह स्काई ब्लू और सफेद रंग का जो पेंट है वो नजर आता है, फिर वो चाहे पुल हो या फिर फ्लाईओवर हो। यानी जो लाल रंग था, जो पिछले 34 सालों से, 5 साल पहले 34 साल तक लेफ्ट का शासन रहा, लाल रंग पूरे पश्चिम बंगाल की पहचान रहा, लेकिन अब ममता बनर्जी इस रंग को सफेद और आसमानी रंग में बदल देना चाहती हैं। 5 साल उनकी सरकार रही, अब देखते हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल किस रंग पर भरोसा करता है, इस सफेद और आसमानी पे या फिर लेफ्ट पार्टी अपना खोया हुआ जनाधार फिर से वापस पाती हैं। चलते हैं कोलकाता के लोगों से आज बात करेंगे कि कौन सा रंग चढ़ रहा है उन पर चुनाव का। सर, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले। क्या है, किसने सबसे अच्छा काम किया अभी तक पश्चिम बंगाल में कोलकाता में? 35 साल तो सीपीएम वगैरह चला है, उसमें तो मतलब मोटा मोटी जो भी हुआ हुआ, अभी 5 साल में थोड़ा बहुत तो काम हुआ है। थोड़ा बहुत हुआ। अब आगे भविष्य में मतलब क्या होता है वो देखना पड़ेगा। दोनों में से बेहतर कौन थे, 34 साल या 5 साल? ये तो बोलना मुश्किल है। कोई खास कुछ चेंज हमको ऐसा कोई स्पेशली कुछ बहुत कुछ नहीं लगा। हाँ, सिटी अच्छा हुआ है। अच्छा। हाँ, सिटी का डेवलपमेंट हुआ है। कौन सी अच्छी सरकार थी सर, लेफ्ट या तृणमूल? बीजेपी। बीजेपी? यस। कैसे? बीजेपी जो है एक बार लाना चाहिए। अच्छा। एक बार तो चेंज होना चाहिए, वापस एक बार चेंज होना चाहिए। एक बार चेंज करके देखा, कुछ ज्यादा तो खास फायदा हुआ नहीं आम पब्लिक को, तो एक बार इसको भी लाके देखा जाए। लेकिन लग रहा है आपको जिस तरह से सारी इक्वेशंस हैं, समीकरण, तो बीजेपी आ पाएगी? जैसे बिहार में तो मोदी जी की रैली सब कुछ फेल हो गया, गठबंधन जीत गया, तो इस वक्त कांग्रेस देखिए बस खाली उम्मीद कर सकते हैं और कुछ नहीं। आम पब्लिक और क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। जरूर डालेंगे, अपना वोट जरूर डालेंगे और हर आदमी को डालना भी चाहिए। काम क्या करते हैं सर? मैं पुरोहित हूँ, पंडित हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार कौन सी सरकार कुछ कर पाएगी, कौन सी बेहतर है? और कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार कोई कुछ करने वाली है, क्योंकि अपना खाना अपनी रोटी अपने खुद को बनाने की है। अब बीजेपी आए चाहे टीएमसी आए, अपने मेहनत करके अपने कमाने की है। अब बीजेपी आएगी तो वो 2 पैसा और महंगा कर देगी, लेकिन ऐसे एज ए सिटीजन ऑफ बंगाल, कलकत्ता में मैं रहता हूँ, तो मैं तो चाहूंगा कि बंगाल के अंदर में टीएमसी ही बेटर है, टीएमसी ही सरकार होनी चाहिए। क्या पढ़ते हैं आप? कैसा लग रहा है शासन जो 34 साल लेफ्ट का था और उसके बाद अब 5 साल तृणमूल का था, कौन सा बेहतर लग रहा है? अभी तो ठीक है, लेकिन और भी बदलाव चाहिए, और भी कुछ बदलाव चाहिए। अगले साल में हम लोगों को सभी पश्चिम बंगाल का सभी चाहते हैं कोई ऐसा पार्टी आए जो और भी कुछ काम करे। ममता दीदी को कितने नंबर देंगे आप, अगर 10 में से नंबर देने उनकी सरकार? दीदी तो ममता दीदी जाएगा है। ममता बनर्जी को 80% एज ए पर्सन, एज ए पर्सन काम किया है तो किया है, लेकिन और काम जरूरत है और काम की बिल्कुल थोड़ा है और ज्यादा की जरूरत है और काफी लोग यहाँ पे हैं। सर, आप तो हमेशा अवेलेबल भी रहते, आपके टी शर्ट पे लिखा है नॉट ऑलवेज अवेलेबल, ट्राई योर लक। तो किस्मत के सारे चले या इस बार कोई अच्छी सरकार चुने? देखिए, किस्मत तो हम लोगों का वो तो हमारे अपने अपने ऊपर होता है, लेकिन जो सरकार अभी बना है, जो 5 साल काम किया है, वो काम बढ़िया किया है। और नेक्स्ट जब जो सरकार होगा, हम लोग उम्मीद करते हैं वो भी अच्छा काम करेगा। आप क्या करते हैं सर? हम काम करता है इलेक्ट्रिक में। इलेक्ट्रिशियन है? इलेक्ट्रिशियन। तो कुछ रोजगार बना ये जो? हाँ, रोजगार तो बना है। तो कौन सी पार्टी अच्छी थी, लाल पार्टी या फिर आप तृणमूल कांग्रेस? तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस सही है। हाँ। लेफ्ट ने तो मजदूरों के लिए, कामगारों के लिए कहते हैं बहुत अच्छा कुछ किया था, उनके समर्थक पार्टी थी। समर्थक पार्टी नहीं थे, ममता दीदी अच्छा है। ममता दीदी अच्छा है, ठीक है। तो चलिए, व्यक्तिगत रूप से जो राय सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि ममता दीदी एज अ पर्सन, एज अ सीएम उनको पसंद करने वाले लोग हैं,
लेकिन उम्मीद है कि चीजें और अच्छी होंगी, रोजगार के और ज्यादा साधन वेस्ट बंगाल में आएंगे और इस बार जो सरकार चुनी जाएगी वो लोगों की सरकार होगी। कैमरामैन मुकेश के साथ रमन अमगाई, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, कोलकाता। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, जहां कई शहरों से लोग काम की तलाश में आते हैं। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया संवाददाता रमन गंगई ने बात की बिहार से कोलकाता आकर बस गए कुछ लोगों से। पश्चिम बंगाल की बात हम कर रहे हैं, चुनाव के रंग में रंगा हुआ है, ठीक है, दीवारों पे होर्डिंग्स और वॉल राइटिंग जो है शुरू हो गई है। अपना वोट अपने दें, वोट लूटना रोक दें, वाम फ्रंट समर्थित जेडीयू प्रार्थी। और साथ ही एक दुकान है, ये सचिनारायण जी की दुकान है, बिहार के लखीसराय के रहने वाले हैं, बहुत साल पहले यहाँ रोजगार की तलाश में आए होंगे और रात को कोई इनकी दुकान के बाहर लेके चला गया, ठंडा ठंडा कूल कूल, घूसखोरों का दल तृणमूल। और शायद जो स्टिंग अभी चुनाव से ठीक पहले हुआ है ये उसका असर है। क्यों सर, उसी का असर लग रहा है जी। क्या नाम है आपका? लालू ठाकुर। ठाकुर साहब, कौन सी पार्टी काम कर रही है पश्चिम बंगाल? इसमें तो अभी तृणमूल है, कांग्रेस भी है, जेटीआई भी आया हुआ है। अच्छा, अब इसमें देखिए क्या आपको कौन पसंद है? क्या तो बताएं, हम तो बोला नहीं रहता। वोट डालेंगे? हाँ जरूर, वोट तो देना ही पड़ेगा किसी में एक को। वे सचिदानंद जी हैं। सर कितने साल पहले आप आए थे कोलकाता में? हम तो यहाँ एक लगभग करीब करीब 25 वर्ष से आए हुए हैं। अच्छा, ये बताओ कौन सी पार्टी लगता है लेफ्ट थी जो पहले, या फिर जो ममता दीदी वाली पार्टी है, कौन सी पार्टी आपको लग रहा है विकास करेगी, सब भाईचारा बना के रखेगी, शांति बना के रखेगी, लोग आसानी से रोजगार कर पाएंगे? हम तो ये कहते हैं कि समाज से जुड़े हुए नेता चाहिए, ऐसी पार्टी चाहिए कि हमारी सरकार ऐसी हो कि बंगाल का विकास हो, यही सब तो हम बोल सकते हैं। लेकिन अभी इलेक्शन का टाइम है, अभी ये हम कैसे खुद बतला सकते हैं सर कि ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हूँ जो रात के अंधेरे में आपकी दीवार खराब करके ना जाए। कोलकाता की पहचान ये पीली टैक्सी भी है, बड़ी संख्या में रोजगार दिलवाती है। अब ओला और उबर का जमाना आ गया है, लोग उससे बुकिंग करवाते हैं, लेकिन आज भी कोलकाता में बड़ी संख्या में ये गाड़ियां आपको घूमते हुए दिख जाएंगी। लोगों का कहना है कि अगर इन पीली टैक्सियों की हड़ताल हो तो कोलकाता की सड़कें खाली हो जाती हैं। यहाँ बात करते हैं कि वाकई में जो इस सेवा से जिससे बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा है वो क्या सोचते हैं, आने वाले चुनाव, आने वाली सरकार की पॉलिसीज काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि किस तरह से आगे बढ़ेंगी, कहीं इन्हें हटा तो नहीं दिया जाएगा या फिर इनको एक हेरिटेज के तौर पर कोलकाता की पहचान बना के रखा जाएगा। ये जो हमारे साथ हमारे ड्राइवर हैं, इनका नाम मनीष है, 10 साल पहले ये कोलकाता आए थे और इन्होंने ये पीली टैक्सी चलानी शुरू की। ये बिहार के छपरा जिला के रहने वाले हैं। मनीष भाई, रोजगार मिल गया था आते ही? नहीं, आते ही नहीं मिला, 10-15 महीना तक दिक्कत हुआ, उसके बाद मिला गाड़ी चलाने के। गाड़ी सीख के आए थे बिहार से, यहीं आगे सीखी? नहीं, नहीं, बिहार से सीखा। ये कैसे सोचा कि पीली टैक्सी चलाता हूँ आसानी से मिल जाएगी? या सर यहाँ पे हम लोग का गांव का सब आदमी चलाता था गाड़ी पीला टैक्सी, तो हम उन लोग के साथ में रहे, वो लोग हमको बोला कि लाइसेंस यहाँ के बना लो, बिहार के लाइसेंस पे यहाँ नहीं चलाने देता गाड़ी। अच्छा, तो यहाँ का लाइसेंस बनाए मोटर व्हीकल से, उसके बाद यहाँ पे पीला टैक्सी चलाने लगे। 10 साल हो गए, तुमने वोटर कार्ड बनाया अपना यहाँ? वोटर आई डी कार्ड है। वोट डालते हो? हाँ। 10 साल हो गए, यानी तुमने लेफ्ट की सरकार भी देख ली और ये दीदी ममता दीदी वाली सरकार भी देख ली, कौन सी सरकार ज्यादा अच्छी लगी? हम लोग को तो सर बताने अभी के टाइम, हम लोग पहले का ही टाइम में सीपीएम ही ठीक थी। अच्छा, इतना अभी बहुत ज्यादा धांधली, पहले इतना धांधली नहीं था। अभी जो केस मिल, अभी पहले 100 का केस था, अभी जहाँ पे पुलिस जाने से 500-1000 रुपए केस देता है और बहुत कुछ हो गया। कितनी गाड़ियाँ होंगी कलकत्ता में लगभग? लगभग आपका तो गाड़ी 50,000 से ऊपर होगी। 50,000 से ऊपर, यानी वोट भी अच्छा खासा है आप लोगों का? हाँ, वोट भी अच्छा खासा है सर। तो ये कलकत्ता की पहचान है, कलकत्ता जो कि सस्ती चीजों के लिए भी जाना जाता है, और ये पीली टैक्सी है जो कि कलकत्ता की पहचान है और साथ ही जुड़ी हुई है हजारों लोगों के रोजगार से और हजारों वोटों से भी। कैमरामैन मुकेश के साथ रमन अमगाई, न्यूज़ ऑन इंडिया, कोलकाता।